हवा नहीं अब पानी के जरिए तबाही मचाएगा कोरोना वायरस, WHO की रिपोर्ट। उससे पहले आप लोग चैनल को जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर लें। मैं आपका दोस्त प्रताप कुमार, अभी आप देख रहे हैं पी रिवाइन चैनल। WHO का कोरोना पर नया अपडेट आया है। कोरोना वायरस अब पानी में पाया गया है। पहले तो कोरोना वायरस हवा या छूने से फैलती थी, लेकिन अब पानी से फैलने का खतरा बढ़ गया है। वहीं 2020 में आई कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। सारे लोग इस वायरस के चपेट में आ गए, जिससे अधिकांशतः लोगों की मौत हो गई, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया। उसके बाद 2021 में आई कोरोना वायरस, जो 2020 के मुकाबले थोड़ी कमज़ोर थी, यानी उसका घातक थोड़ा कम था, लेकिन उसने भी तबाही मचाई। उस 2021 में सबसे ज़्यादा वही लोग शिकार हुए जो पहले से ग्रसित थे। अधिकांशतः 45 साल से ऊपर के व्यक्ति 2021 में कोरोना की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई थी। कोरोना वायरस पर रिसर्च डॉक्टर और एक्सपर्ट ने बताया था कि कोरोना वायरस कभी ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन उनका प्रकोप धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। जैसे जैसे कोरोना के नए वेरिएंट आते जाएंगे, उनका प्रकोप धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। वहीं WHO ने बताया कि पिछले एक महीने में कोरोना के नए वेरिएंट के 9 अलग अलग रूप देखे गए हैं। हाल ही में WHO ने 17 अगस्त को कोरोना के BA.2.86 को निगरानी में रखा था। वहीं WHO ने बताया कि यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के रीजन से इस वेरिएंट के 9 अलग अलग सीक्वेंस मिले। इस वेरिएंट से किसी की मौत की खबर नहीं आई है। वहीं इसके साथ थाईलैंड और स्विट्जरलैंड में पानी में BA.2.86 कोविड वेरिएंट पाया गया है। इस वेरिएंट को मॉनिटरिंग के लिए WHO में रखा गया है। WHO ने यह भी बताया कि कोरोना के नए वेरिएंट ज़्यादा घातक नहीं है, लेकिन मनुष्य को सावधानी बरतनी होगी। एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा मामला थाईलैंड से मिला। पिछले एक महीनों में 1366 से ज़्यादा, भारत में 1335 और वहीं बांग्लादेश में 1188 नई वेरिएंट से प्रभावित लोग पाए गए। भारत में इस सप्ताह कोरोना को लेकर एक हाई लेवल की मीटिंग भी की गई थी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री कार्यालय से की गई। इस वक्त दुनिया में XBS.1.16 और EG.5 दो वेरिएंट सबसे ज़्यादा फैले हुए हैं। XBS.1.16 कुल 106 देशों में पाया गया है और वहीं EG.5 कुल 53 देशों में पाया गया है। कोरोना अब महामारी नहीं रहा, लेकिन कोरोना कभी अपनी पुराने विकराल रूप में अगर धारण कर लिया तो फिर 2020 और 2021 वाला तबाही ला देगा। इसी के लिए सरकार और WHO ने सतर्क रहने की चेतावनी भी दी है। यही सब देखकर WHO ने एक बार फिर से रेगुलर अपडेट शेयर करना शुरू कर दिया है और सभी देशों का डाटा अपडेट करने के लिए कहा है। पिछले महीने तक केवल 11% देशों ने अपना डाटा शेयर कर रहे थे, लेकिन अब 44% देशों ने अपना डाटा शेयर करना शुरू कर दिया है। वहीं 2034 देशों में से 103 देशों ने डाटा शेयर किया है। वहीं डाटा शेयर करने के बाद WHO ने बताया, हर एक देश में पिछले एक महीने में एक कोरोना के नए वेरिएंट मिले हैं। WHO के पास जितना डाटा मौजूद है, उसके मुताबिक दुनिया में कोरोना का 8% पॉजिटिव रेट रहा है। कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, UK और इटली में कोरोना के सबसे ज़्यादा नए वेरिएंट पाए गए हैं। 2034 देशों में से 27 देश 49,380 मरीज अस्पतालों में भर्ती, वहीं 22 देशों में 646 लोग ICU में भर्ती है।
हालांकि एक महीने में अस्पतालों की मरीजों की जानकारी देने वाली देशों की संख्या केवल 12% रही है। वहीं कोरोना के एक और नई वेरिएंट का प्रकोप शुरू हो गया है जो जल में पाया गया है, उससे सतर्क रहे और सरकार और WHO से जुड़े रहे, उनका हर अपडेट देखें। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।